बुद्ध धर्म में जैसे ग्रैंड फादर 3-4 साल बाद में जन्म लेते हैं, मुस्लिम धर्म में 3-3 जब तक उनके धर्म की जनसंख्या न बढ़ जाए, धर्म पिता तो अकेला आता है, उनके पीछे पीछे जो ऊपर से आत्माएं आती हैं वो फॉलोअर्स हैं उस धर्म में आने वाली है, तो जब तक उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा न हो जाए तो राजाई किसके ऊपर करेंगे। तो जब उनके धर्म के फॉलोअर्स की बहुत जनसंख्या हो जाती है तब फिर ये जो मनुष्य सृष्टि का बाप है और उनके जो बच्चे हैं पहलौटी के वो धर्म में जाके जन्म ले लेते हैं, वहां जाकर जन्म ले करके राजा स्थापन करते हैं। एक टाइम एक बार बाबा भक्ति मार्ग के चित्र में दिखाई देता है लक्ष्मी देवी के नीचे है ना उल्लू बिठा दिया है, तो उल्लू किसकी तरह विचार करता है? लक्ष्मी जो है इस दुनिया में जो धन के पीछे पड़ते हैं वो उल्लू है, उनकी बुद्धि जमीन की तरफ लगी हुई है, ऊपर वाला आया हुआ है ज्ञान दे रहा है ऊपर ले जा देगा, इस तरफ उनकी बुद्धि जाती नहीं, तो लक्ष्मी उनके ऊपर सवारी करती है, लक्ष्मी की सवारी है उल्लुओं के ऊपर। सरस्वती हंस के ऊपर सवार है, जो हंस बुद्धि है क्या नीर क्षीर विवेकी है, क्या ग्रहण करना चाहिए क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए ऐसी जिनकी बुद्धि है ऐसे ऊपर सरस्वती विराजमान है। गणेश जैसी जो आत्माएं हैं वो ऐसी आत्माओं के ऊपर सवारी करती हैं जो अंदर ही अंदर सारा घर खोखला कर देती है। देवी देवता जुगल रखते हैं, लक्ष्मी का जुगल नारायण है, सरस्वती का जुगल नहीं है। सरस्वती का यह सरस्वती को ब्रह्मा के साथ ही तो दिखाते हैं, ब्रह्मा है सृष्टि पर पहले है, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, जब ब्रह्मा ही अकेला और कोई है ही नहीं तो किसको युगल बना देंगे। बेटी ब्रह्मा को तो ये तो बेहद की शक्ति है ना, कोई खून की औलाद थोड़े ही है, ये तो ज्ञान की औलाद है, तो सरस्वती को निमित्त बनाया और उससे बच्चे पैदा हुए, कोई हद का संबंध है क्या? बेहद का संबंध है, ज्ञान का संबंध है, इस शास्त्रों में ग्लानी कर दी कि ब्रह्मा अपनी बेटी से पैदा हुआ। अरे ब्रह्मा बेटी पे फिदा थोड़े हुआ है, बेटी के गुणों पे फिदा हुआ। आजकल न्यूज में हर दिन दिखाते हैं श्रीलंका में रावण का शरीर मिला, राम का जो लीला है रामायण में सब माने ठीक ठीक जागा है, वो सब प्रूफ करते हैं क्या है, हर दिन दिखाते हैं हमें राम का जन्म का वर्ग जो दिखाने वाले हैं वो भक्ति मार्ग के हैं या ज्ञान मार्ग के हैं? भक्ति मार्ग, वो तो भक्ति मार्ग के ही टेंट घंटे दिखावे, उनको सच्चा कार्य दिखावे, उनको सच्चा कहेंगे, लेकिन वास्तव में वो जो भी टेंट घंटे हैं जो भी बनाई हुई जगह हैं उनको बना के रखने की क्या दरकार थी? दस हजार साल पहले वो हुआ था, वो चेहरा जो देखता है तो फ्रेश लग रहा है, रावण का बॉडी मम्मी का रखा 10,000 साल पहले। ये मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं वो कौन सी युग में बनाई गई? द्वापर युग में बनाई गई, 10,000 साल 5,000 साल के बारे में बोलता है। 2,500 साल की तो हिस्ट्री मनुष्य के पास है, हिस्ट्री इससे ज्यादा की है ही नहीं, हिस्ट्री उसे कहा जाता है जिसका प्रूफ और प्रमाण मिले, 2,000 साल से पहले का कोई प्रूफ प्रमाण मिल ही नहीं रहा है। ये अजंता एलोरा एलिफेंटा कढ़ेरी गुफाएं जो भी हैं ये तो 2,500 साल के अंदर की बनी हुई है,
इन गुफाओं के चित्रों को देख देख करके फिर शास्त्र तैयार हुए। मूर्तियां बहुत पुरानी है। बोले सीता का गोली मिला, जाल मारने क्या मिला? सीता गोली, वो चावल और आयुर्वेदिक है, वो सीता गोली बोला। बोले रावण सीता के जब पुष्प विमान से ले जाते हैं तब सीता का उल्टी आ जाता है, रावण गोली दिया खाने के लिए तो सब फेंका, वो सब मिलते है, वो सब लाठी मारते है, जाल मान में लेने से लिया सब गोली उली सब बाहर भेज दिया। बोलो वो लोग बोला 10,000 साल तो पहले सब बाहर गए, ये करना है एनालिसिस करना रिसर्च कर। अभी बात है अभी जो हमारे ज्ञान ज्ञान जो है वो वास्तव में भारतवासी नहीं उठाते, ये तो विदेशी ही ज्ञान को उठाते हैं और भगवान बाप को पहचानते हैं। ये भारतवासी तो भगवान की दुर्गति कर देते हैं, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। यहाँ की गवर्नमेंट की देखो क्या हाल है, कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कुछ भी नहीं है, उठा करके जेल में डाल देते हैं। अखबार वालों का क्या हाल है, जिनको पैसे मुठ भर मिल जाते हैं तो बस वो जाते लिख देते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए भगवान की भी सच्ची में दुर्गति हो जाती है। जो विदेशी लोग हैं उस ज्ञान की फिर कदर करते हैं, बाप को पहचानते हैं, और फिर विदेशों से जो बाप की पहचान निकलती है वो फिर भारतवासी स्वीकार कर लेते हैं। बाबा अभी जो अपना आस्था चैनल में जो अपना बड़े बड़े जो कहा जाता है अभी भारत में सब भाषण करते, सब शास्त्र पर बात करते, ये लोग भी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो जो श्रीलंका में जो सब मिल रहे हैं इस पर बोल रहे ना ठीक ही है, एग्जैक्टली हो रहा है, सही बात है। क्या हो रहा है जो हो रहा है, जैसे रामायण का 17 फुट का एक ये मिला है, ये बोल रहे आपको मोमी मिला जो रावण का मोमी 10,000 साल पहले हाँ वो शरीर जो है सुरक्षित करके किसी ने रखा। अभी अपना जो भारत का जो ये सब है ना बड़ा बड़ा पंडित जो आस्था चैनल में बड़ा बड़ा लेक्चर देते रहते हैं, बोल रहा है बात सही है, ऐसे ठीक ही है, रावण का हुआ था। अच्छा रावण का शरीर रखा हुआ है 17 फुट वाला, 10,000 साल के उसका 10 फिर कहाँ गए, फिर ज्यादा मजबूत, फिर मजबूत ज्यादा होते हैं या शरीर ज्यादा मजबूत होता है, फिर कहाँ चले गए? मम्मी खुला नहीं, हाँ मम्मी मैंने ये जो शरीर है उसका मम्मी मिला, तो शरीर जो शरीर ज्यादा मजबूत होता है या सिर ज्यादा मजबूत होता है, तो रावण के 10 सिर कहाँ चले गए? रामायण में तो कभी कभी एक सिर भी दिखाते हैं, कभी कभी 10 सिर दिखाते हैं, कभी कभी एक सिर भी दिखाते हैं। नहीं रावण के तो 10 ही सिर दिखाते हैं, बात करने के स्थान में एक सिर दिखाते हैं, बात करने के लिए मंदा देवी के साथ जब बात करते हैं तब एक सिर दिखाते हैं, और युद्ध के टाइम में 10 सिर दिखाते हैं। मंदोदरी तो पत्नी है, हाँ। पत्नी और पति का संबंध काम विकार का होता है, तो काम विकार का जब स्वर है वो ही बात करेगा ना पत्नी से। पत्नी और पति का संबंध कौन से विकार से ज्यादा कनेक्टेड है? तो काम विकार से ज्यादा कनेक्टेड, तो कौन से सिर से बात करेगा? बाकी चार सिर से बात करेगा या मुख्य सिर से बात करेगा? मुख्य सिर से ही बात करते हैं, ये क्या बड़ी बात हो गई? बाबा जी से लग रही सब हमारा ब्राह्मण परिवार के लिए परिस्थिति हो रही है ठंडा करने के लिए, ठंडा करने लग रहा है। ब्रह्मा कुमारी वैसे ही ठंडा किए हुए बैठे हैं, तो बहुत कुछ नहीं उसमें है ही नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं। तुमने जो 68 का मोड़ लिया है, 67, 66, 65 ये सब निकालने सारा बात क्लियर है, निकलता भी नहीं है, कितना बोला एक भाई बाबा समझ रहा है, छोटा बचपन में तो टाइफस हुआ था जो आने चाहता है लेकिन बात नहीं समझता, फिर इच्छा है वो तो स्वीकार करता है, भगवान तो इधर साकार में होना ही चाहिए, इसलिए जो उनको तो बोल रहा हूँ मैं, आप बोलो 68, 67, 66, 65 का साकार वाणी निकाली बाबा नाती है छत के लिए नहीं निकलता,
ये सब जब एक बात उठाता है तो कोई दूसरा लाइन में ले जाता है, जब अति हो जाती है तो अंत होता है। भक्ति की भी अति होगी और ज्ञान की भी अति होगी, तो दोनों का अंत हो जाएगा। सत्युग में न ज्ञान रहेगा और न भक्ति रहेगा। बाबा पुरी में जो जगन्नाथ है इतना बड़ा बड़ा आप देखते हैं कि आप ज्यादा बड़ा बड़ा देखते हैं कि जगन्नाथ तो पुरी में पुरी मंदिर में जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी मूर्ति है तीन मूर्ति, सारे जगत के नाथ हैं, तो बड़ी बड़ी आंखों से देखेंगे या छोटी आंखों से देखेंगे? अंधे तो नहीं है, कितना झुंझरी आंख होगी तो दिखाई कम पड़ेगा, बड़ी आंख होगी ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ज्यादा बड़े आंख देखते हैं ना, तो रामकृष्ण की यादगार है ना, बलराम कोई दूसरा थोड़ा ही है, राम वाली आत्मा की यादगार है बलराम, कृष्ण वाली आत्मा की यादगार है कृष्ण। सुभद्रा उनकी बहन, ज्ञान में रुद्रमाला के में एक है बहन है एक है भाई, रुद्रमाला के ऊपर के दो जो दो मणके हैं जगत पिता जगदम्बा वो क्या है? भाई बहन है। तो बाबा ज्ञान पूरा जब होगा माना तो ज्ञान की दृष्टि से समझने के लिए तो कोई तैयार हो तब ना, कोर्स लेने के लिए तैयार हो ना तब ना, तब तो समझ में आएगी बात, वो सुनना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, कान में उंगली देकर के बैठे और उनके बाप बैठे हुए हैं ब्रह्मा कुमारी, वो तो बिल्कुल कान में उंगली देकर के बैठे हैं, किसी से सुनते ही नहीं। तुम्हारे जो बोलते आपने माथा का नष्ट है ये सामने इसने जावे माथा ठीक कर दे, मैंने तो बोल रहा है जैसे जैसे बोलता बोलता आपको दिमाग अभी एक हफ्ता पहले तो पुराना भाई जैसे मैं अभी मीटिंग वीटिंग में जा रहा था, कहा जब भी मिलता हूँ बोलता है प्रोग्राम में जा रहा हूँ, क्या प्रोग्राम हो रहा है? मैं इसे बोला देखे देखे त्रिमूर्ति के बारे में जो जो बोलना मिनिमम छोटा मोटा बात से समझ जाए, तो देखा वो बोल रहा है बार बार एक ही बात बोलता है आपका दिमाग खराब हो गया, आप आइए हमारा सेंटर पे हम समझाएंगे आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, फिर हमारा प्रमाण दोगे दिमाग खराब हो गया है कि तुम्हारे बकरे से मान जाएंगे? कसाई को से पड्ढा मर जाता है क्या? तुम्हारी पोस्ट देने से तुम्हारी गाली देने से हम वैसे बन जाएंगे क्या? सुनेगा भी नहीं बाबा, सुनेगा नहीं तो हम उसकी नहीं, हम क्यों सुनेंगे उसकी, उसकी कहने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? इधर में जो आया है सभी का दिमाग खराब हो गया, इधर में जो जो आए है उनके बोलने से हो जाएगा, बोलने से तो नहीं है, हम हमारे हमारे ऊपर असर ही नहीं पड़ता, बक बक करते हो करते रहो, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं, मुरली में तो बोला एक कान से सुनो फालतू बात दूसरे कान से निकाल दो, वो जो कुछ बोलते हैं उसका कुछ प्रूफ प्रमाण देंगे बिना प्रूफ और प्रमाण के तो हम मानने वाले नहीं है, हम तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, हम क्यों मानेंगे तुम्हारी बात? वक्त रहो तुम जो अखबारों में चला लगा दो चारों तरफ, तो अंदर में बातों को हम नहीं मानेंगे, रेडियो में सुना दो चारों तरफ, टीवी में दिखा दो चारों तरफ, तुम्हारे पैसे का जोर है तुम दिखाओ, सारी पब्लिक को मोल्ड कर दो, लेकिन हम नहीं मानेंगे। आजकल सच्चे ज्यादा होते हैं दुनिया में, झूठे ज्यादा होते हैं, झूठे ज्यादा हैं तो सारी दुनिया झूठ के पीछे जाएगी। यहाँ का बात समझाने से यही बात समझाया है, उन लोग का दिमाग खराब। ब्रह्म कुमारी में जो आजकल प्रोग्राम आते हैं 7 बजे आपका चैनल में, आजकल बाबा के बात साथ साथ बहुत भक्ति मार्ग का बात बोलते हैं, बहुत भक्ति मार्ग का मंदिर दिखाते हैं, भक्ति मार्ग का बात बोलते हैं, पब्लिक सपोर्ट लेता है कोई प्रॉब्लम, सब मंदिर भी दिखाते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम उगम करने से लौकिक भक्ति मार्ग वाला उसका साथ भी चलते, तो जिसको पैसा चाहिए वो पब्लिक को सपोर्ट करेगा, जिसको पैसा नहीं चाहिए जिसको सच्चाई चाहिए पब्लिक को क्यों सपोर्ट करेगा? पांडव किसको सपोर्ट करते थे? पांडव कितने थे? पांडव तो थोड़े थे, भगवान को सपोर्ट करते थे, कौरव तो ढेर के ढेर थे, वो क्यों भगवान को सपोर्ट करेंगे?
बाबा शंकर को जे शौशन का भस्म करते हैं है? वो क्यों देखते हैं? उसने भस्म किया होगा, तन मन धन समय संपर्क सब भस्म कर दिया होगा। अब देखेंगे राख कितने बनते हैं और कौन बनते हैं, और कोटों में से एक लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। राख बनने का मतलब क्या है? सब कुछ स्वाहा कर देना यज्ञ में, तन तन नहीं, धन धन नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, बाप बाप नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, कुछ भी नहीं, सब स्वाहा। शेर का छाल पहनते हैं, शेर का छाल शरीर के द्वारा ऐसा पुरुषार्थ किया है जैसे शेर, जैसा शेर जंगल में दहाड़ मारता है तो सारे पानी बहल जाते हैं, तो ऐसे ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारी है जिसका जवाब किसी के पास है ही नहीं, और जवाब हो तो फिर सामने आओ। शेर भी लगती बाद में निकलेगा, सामने ज्ञानी भी लोग बाद में निकलेगा, शेर बाद में निकलेगा। मुरली ने बोला है ना माता जी, छुपा रुस्तम बाद में बोले तो ठीक अंत में, अंत में शेर निकले हैं। तब तो हमारे भारत के झंडे में तीन कपड़े दिखाई गए हैं जिनमें शेर दिखाया जाता है बीच में, अशोक स्तंभ में गोट बनते हैं तो उसमें थप्पा लगता है शेरों का, ये काहे की यादगार है। जिस समय भगवान आते हैं उस समय तीन शेर तैयार करता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनके द्वारा नई दुनिया बनती है। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान की दहार निकलती है तो उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता, शंकर के द्वारा ज्ञान की दहाड़ निकलती है तो उसका मुकाबला करने वाला आमने सामने आकर के बात का जवाब देने वाला कोई नहीं निकलता। ऐसे ही फिर प्रैक्टिकल कर्म करने वाला जब विष्णु निकलता है तो उसके सामने सबकी मैया मर जाती है, प्रैक्टिकल के सामने किसी की चलती नहीं। अशोक राजा कौन है? अशोक राजा तो हिस्ट्री में हुआ है, जिसने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक के धर्म से इसे शेर आला, उसने अशोक राजा ने ये अशोक की लाटें बनवाई, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनमें प्योरिटी ज्यादा जास्ती होती है, सन्यासी से भी ज्यादा पुराने बौद्ध लोग हैं, और जो धर्म जितना ज्यादा पुराना होता है वो उतना ज्यादा पावरफुल होता है। तो भारत के जो भी धर्म है पवित्रता को पालन करने वाले उनमें सबसे पुराना विदेशी धर्मों में बौद्ध धर्म ही है। बौद्ध धर्म की जो आत्माएं हैं वो बुद्धि की सात्विक हैं, वो उन्होंने ब्रह्मचर्य को बहुत पालन किया है। बौद्धि अभी भी कितने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, कोई कमाई करते हैं क्या? बौद्धि कुछ कमाई करते देखे जाते हैं? कोई कमाई नहीं करते, ऐसे ही घूमते रहते हैं, फिर उनकी परवरिश हो रही। जैसे सती हुए देवता कोई धंधा नहीं करते, फिर भी उनको खाने पीने और रहने का सारा सारा प्रबंध ऑटोमेटिक होता है। तो ये प्योरिटी की पावर है, वो प्योरिटी की पावर जिस राजा में ज्यादा हुई है वो राजा अशोक महान कहा गया। अशोक राजा उसने अपनी पवित्र बुद्धि से इस बात की स्वीकार किया कि ये तीन शेर जो है वो संसार के संसार को रूपी जंगल को दहलाने वाले तीन शेर हैं, जो भारत की विशेष यादगार है, वो है अशोक की लाट। बामन दुनिया में प्रत्यक्ष हुआ और एक शेर जब तक प्रत्यक्ष होगा तो आपसे आएगा एडवांस पार्टी, फोन आएगा। आप अपनी भाषा में बोल दो ना, हिंदी में समझ में आता है ना, समझ में।
नंबर दो से निकल गया डायरेक्टली एडवांस वाला इनको किसी को बाबा आह्वान कर माता जी बोल रहे तीन शेर में दो शेर निकल गया है दूसरे निकल कहाँ गए ब्रह्मा का स्थापना का कार्य अंत तक मुदा हुआ है वो भी अभी स्थापना पूरी नहीं कहेंगे कोई कहेगा कि स्थापना पूरी हो गई नहीं अभी नई दुनिया कहाँ है नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है तो वो तो फाउंडेशन पड़ रहा है फाउंडेशन मकान का नीचे अंडरग्राउंड में डाला जाता है या ऊपर डाला जाता है तो अंडरग्राउंड किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है ऊपर ही मंजिल जब बन के तैयार होती है तो नया मकान दिखाई पड़ता है तो ऐसे ही ये नई दुनिया अभी तैयार होकर के आई कहाँ है सामने आने वाली है वो विष्णु का काम है तो तीसरी मूर्ति जो है वो भी मैदान में आ जाए तीनों मूर्तियों का कार्य सहज सहज साफ साफ सफल होना जितनी स्थापना उतना विनाश जितना स्थापना और विनाश होता जाएगा उतनी पालना भी प्रत्यक्ष दिखाई देगी दुनिया देखेगी कि इस संगठन में जितनी ताकत है उतनी और दुनिया में किसी संगठन में ताकत है ही नहीं बाबा माता जी बोला है सप्तयुग आने का कितना टाइम है संगम युग का कितना टाइम है सप्तयुग आने का कितना समय है संगम युग पूरा होगा तो सतयुग आएगा कि नहीं बोले दो कथा तो बोले दो संगम युग का कितना टाइम है अरे 27 साल है ना 27 साल पूरे होंगे तो संगम युग पूरा हो जाएगा संगम युग पूरा होगा तो सतयुग शुरू हो जाएगा पक्का पक्का अगर अब तक शरीर निरोगी है और चलता फिरता है तो आगे आगे भी चल सकता है ये तो धारणा की बात है ना सन से क्यों पैदा करना अभी कितने साल की उम्र है कितना 74 नहीं तो माता है 50 साल में लुंदिन पुंजुम हो जाती है माता जी की बोलो बाबा बोलते थे मातारा साधारण 40-50 बसरे लचर हिला ढुला जाए और अपने 74 बसर बयस कदिन आते जाबे अपने हिम्मत रखें तो 25 साल ये गुजार लिए 25 साल और भी गुजार सकते हैं माता जी पूछ रहे हैं बाबा लक्ष्मी नारायण का जन्म कब होगा 25 साल में 75 साल बाद या पहले लक्ष्मी नारायण का जन्म तो बता दिया 75 हो चुका लक्ष्मी नारायण कोई पेट से थोड़े जन्म लेते हैं लक्ष्मी नारायण का जन्म जो होता है वो कोई पेट का जन्म थोड़े ही है वो तो मन बुद्धि की प्रत्यक्षता की बात है मन बुद्धि रूपी आत्मा प्रत्यक्ष होती है उस प्रत्यक्षता से पता चलता है कि ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले तो उनका तो जन्म मुरली 76 में ही बता दिया लक्ष्मी का जन्म कब हुआ आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ लक्ष्मी नारायण को कोई थोड़े ही जन्म देगा नहीं बाबा वो माता जी फूल सत्य के लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सत्य के लक्ष्मी सत्य वही जन्म लेंगे লক্ষ্মীনারায়ণ জন্ম
ওঠৰ চনৰ কথা যে উল্লেখ হৈ আছে, ওঠৰ চনৰ বালাকৃষ্ণ জন্ম বতা দিব রাধা কৃষ্ণ বচ্চো কে রূপ মে থোড়ি জন্ম হা वो जो राधा कृष्ण की आत्मा जो है वो संगम भी राधा कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ये संगम भी राधा कृष्ण है, इनके द्वारा वो राधा कृष्ण की आत्मा पार्ट बजा रही है। ये शरीर है, इस शरीर के अंदर वो आत्मा है पार्ट बजा रही है, हो जाएगा। हाँ, ये बात लोगों की बुद्धि में बैठेगी। कोई बच्चे के रूप में कृष्ण नहीं पैदा होगा। पांच तत्व जब तक सत्व प्रधान न बने तब तक पांच तत्वों के पुतला के सत्व प्रधान बन जाएंगे। अब ये जो ज्ञान ले रहे हैं वो आत्मा की शुद्धि के लिए ले रहे हैं कि शरीर की शुद्धि के लिए होगी? ये जो ज्ञान अभी हम ले रहे हैं ये ज्ञान जल से आत्मा शुद्ध होगी या शरीर शुद्ध होंगे? आत्मा शुद्ध हो रही है। उसमें भी अभी 2008 चल रहा है, 8 की जगह 18 होगा, 10 साल अभी और है आत्मिक शुद्धि के लिए। उनमें भी सबकी आत्मा एक साथ शुद्ध नहीं हो जाएगी क्या? जो पूरे नष्ट हुआ है स्मृति लब्धा की परीक्षा में पास होंगे वो संगठन संसार में प्रत्यक्ष होगा। उन ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में वो राधा कृष्ण की प्रत्यक्षता होगी, संगम में राधा कृष्ण की। बेसिक वाले जानते ही नहीं है कि कैसे जन्म होगा, हमारे बीच में ही है, हमारे घर में कहाँ है फिर बताओ। तुम कभी नेपाल में बताते हो, कभी कहाँ बताते हो, कभी दिल्ली में मम्मा को बताते हो, कभी लंदन में मम्मा को बताते हो, नेपाल में हो, तुम्हारी कोई बात ही नहीं है क्लियर। अभी नेपाल में एडवांस पार्टी घुस गई तो सारे ताजिया उनके ठंडे हो गए। ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में ही तो पहले परमात्मा बम फटे, पहले बाहर की दुनिया में फटेगा या ब्राह्मणों की दुनिया में फटेगा? ब्राह्मणों की जो बोला है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी भागेंगे। कहाँ भागेंगे? कहाँ भागेंगे? जब उनका अर्पण निकलेगा तो कहाँ भागेंगे? जो किए हैं पाप उनका भंडा फूटेगा, वारंट निकलेंगे तो कहाँ भागेंगे? जहाँ उनको समाने को सर समाने को मिलेगा वहाँ भागेंगे। तो विदेश में भागेंगे। अभी उनके पांव ज्यादा कहाँ जम रहे हैं? भारत में तो यहाँ एडवांस पार्टी तेज हो रही है, यहाँ तो अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो किसको बेवकूफ बना सकते हैं? विदेशी बेवकूफ बना रहे हैं तो वहाँ जा रहे हैं। एक ही दे देगा एडवांस को है 82 की अज्ञातवाणी पढ़ो, उसमें लिखा है रावण इस समय 20 नाखूनों का जोड़ देकर तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। सवाल पूछने का, लेकिन प्रॉब्लम है भाषा प्रॉब्लम। बोलो ना अपनी भाषा में, बोलो अनुवाद करने वाले आप अपनी भाषा में बोलो।
अनुवाद करने वाले बैठे हुए अनुवाद करेंगे बाबा भक्ति मार्ग जो देवी मंदिर है वो जो भौर आते हैं सब कुछ बोल देते हैं माने देवी उसके अंदर में घुस जाते हैं देवी थोड़ी घुस जाते हैं भूत प्रेत घुस जाते हैं। देवी के जो पूजते हैं बोले वो संत सीमा देवी दुर्गा देवी काली देवी के जो पूजा करते हैं जो पुजारी भगत है ना हाँ, जब देखते हैं किसी में आत्मा ने प्रवेश कर दिया और वो कहती है मैं ये देवी हूँ मैं महाकाली हूँ मैं दुर्गा हूँ वो भूत प्रेत आत्मा बोलते हैं वो भूत प्रेत आत्मा घुस जाती है और वो भूत प्रेत आत्मा क्योंकि उनको शरीर का बंधन तो है नहीं मजमा लगाते हैं ना सर सड़क पे लोग हाँ। तो सड़क को मजमा कुछ बच्चे को सुला देते हैं है? उसमें सोल प्रवेश करा दी अब पूछते हैं इसकी जेब में कितने रुपए हैं हाँ। वो सोल बता देती है इसकी जेब में कितने रुपए हैं तो वो सोल तो सूक्ष्म शरीर है ना वो तो कहीं भी घुस सकती है वो देवी नहीं है ना भूत प्रेत है उनमें छोटी छोटी शक्तियां हैं क्योंकि उनको सूक्ष्म शरीर है देह का बंधन है नहीं और हम सबको तो देह का बंधन है हम इन आंखों से ही देख सकते हैं अभी हम प्रयत्न कर रहे हैं क्या प्रयत्न कर रहे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं कि इस देह के बंधन से हमारी आत्मा परे हो जाए देह अलग दिखाई दे आत्मा अलग दिखाई दे तब ये शक्ति आ जाएगी कि हम किसी में भी प्रवेश करके उसकी बुद्धि को घुमा सके कोई कोई बात तो सोच हो जाता है कोई कोई ऐसा बात बोलती है बहुत सी बातें बहुत जानती है क्योंकि उनको सूक्ष्म शरीर है तो कोई बड़ी बात नहीं प्रकाश में नहीं दर्दी अच्छा प्रकाश में वो भी सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया कहाँ है आपने इस्लामी ग्रुप में जो उनका इस्लाम का ग्रुप है वो उन्हीं आत्मा की सेवा करेगी एडवांस में जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं उन्हीं में प्रवेश करके उनको काम करना है ब्रह्मा का आत्मा काम कर रहा है इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि दादी हमारे साथ ज्यादा दिन नहीं रहेगी वो 12-13 दिन रही और फिर उसके बाद जाओ अपने ग्रुप में तो अपने ग्रुप में सेवा करो हम अपने ग्रुप में सेवा करेंगे ज्यादा दिन नहीं रहेगा तो मुरली में बोला नहीं संदेश का अपना भी होगा जो जिस कुल का होगा जो जिस धर्म का होगा जिस धर्म का उसको नारायण बनना होगा वो नारायण वाली आत्मा द्वापर में जब आएगी तो वही धर्म पिता उसमें प्रवेश करेगा तो वो तो वैसी ही बातें करेगा ना तो प्रकाश मुनि दादी तो एडवांस का जो ज्ञान है उसको नहीं स्वीकार किया बुद्धि में घुरा दिया नहीं स्वीकार किया हाँ। अंदर से जानती थी एडवांस से जब आया प्रकाश मुनि दादी एडवांस में नहीं आया जीते जी शरीर रहते एडवांस में कहाँ आया ना मरने के बाद शरीर छोड़ने के बाद हाँ। जो उनको लोकलाज का बंधन था जिस बंधन की वजह से वो अपने संगी साथियों को नहीं बता सकती थी कि एडवांस का ज्ञान सच्चा है वो शरीर छूट गया अब उनको सच्चाई का पता चल गया क्या सच्चा है क्या झूठा है तो जो सभी तो उनकी बातें नहीं मानेंगे क्यों उनका अधूरा ज्ञान है इसलिए जो इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो उनको सपोर्ट करेंगी उसके बाद जो बाबा से की बोल दो प्रकाश मुनि दादी ने इससे दाम तो सब ही जाने सब ही बुझे किंतु लोक लाज ही करते पारे लोक लाज का बंधन था उनको किंतु अगर शरीर छोड़ दीजिए पारे अगर प्रवेश करे जैसे रविंद्र भाई भट्टी करी कंपिल में भट्टी करने के बाद सीधे माउंट आबू गए और दादी से कहा दादी वो जहां तो वहां बिल्कुल सच्चा है बिल्कुल मुर्गियों से मिलता जुलता सारी बातें सुनाई जा रही हैं और ये तो ज्ञान जो है बहुत फैल जाएगा और ये ब्रह्म कुमारी विद्यालय तो ठप हो जाएगा और कुछ दादी कुछ करना पड़ेगा तो दादी कहती है जगदीश भाई से बात करो इसका मतलब जगदीश भाई का बंधन था ना जगदीश भाई दबोचे बैठे थे ना दादी को तो वो लोकलाज का बंधन खराब रमेश भाई भट्टी क्या है
रमेश भाई नहीं, रविंद्र भाई जो यहाँ रविंद्र भाई भक्ति करने के बाद सीधा माउंट आबू गए और दादी को कहा जाके, दादी ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है, ये अपोजिशन नहीं होना चाहिए ज्ञान का। लेकिन जगदीश भाई ने एक बात नहीं मानी, वो अपने उनका उनका सारा ज्ञान बेकार हो जाता। अगर जगदीश भाई एडवांस की बातों को मान ले तो उनका सारा अब तक का ज्ञान का जो बितंडा बात खड़ा किया है, मोटी मोटी पुस्तकें लिखी हैं उधर, उसे कोई नहीं मानेगा, उनका मान मतलब खलास हो जाएगा। तो देवान में आकर के उन्होंने सच्चाई को नहीं माना। अंदर से पूरा गांधारी का जो शास्त्रों में मिसाल है, आंखों पे पट्टी बांध रखी, अंधी थी क्या? नहीं, अंधी तो नहीं थी, अंदर से तो जानती थी सच्चाई क्या है, जान भूल करके अंधी बनी हुई थी, पट्टी बांध कर है न खुद देखना है न दूसरों को देखने देना है भगवान को, न खुद भगवान के पार्ट को पहचानना और न दूसरों को पहचान भी लेना। आज पर प्रकाशनी दादी जो पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ तो तब करेंगे जब उनको शरीर होगा, उनका अपना शरीर कहाँ है जो उनका पुरुषार्थ बनेगा, वो तो जिस शरीर में प्रवेश करेंगे उस शरीर का पुरुषार्थ बनेगा। जैसे ब्रह्मा की सोल जिस शरीर में भी प्रवेश करती है चंद्रभाल बन के, तो उसी का पुरुषार्थ होता है। वो अपना कोई सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जो है, जो प्रवेश इसमें करती है, पाप करती है, तो पाप का बोझा शरीरधारी के ऊपर चढ़ता है या उस आत्मा के ऊपर चढ़ता है? किसके ऊपर चढ़ता है? शरीरधारी के ऊपर चढ़ता है। জানে কথা কিনি জানি বুঝি কিনি কৈছে জগদীশ ভাই কি আত্মা রিয়েলাইজ কর রহি শরীর ছোড়ने के बाद कि हम शरीर रहते रहते देहभान में इतने रहे कि हमने बाप को नहीं पहचाना। अब बाप को जो पहचाने जो प्रत्यक्ष कहाँ से करेंगे? मुगालते भी रहे। अब आप वो आत्मा पछता रही है कि शरीर रहते रहते तो हमने न बाप को पहचानने की कोशिश की देहभान में आकर के और न प्रत्यक्ष कर पाए। इस बात का उन्हें बहुत मलाल रहा कि हम तो ये बीड़ा उठाया था, हम बाप को प्रत्यक्ष करके छोड़ेंगे। अब मनमानी तरीके से शास्त्र लिख के थोड़ी प्रत्यक्ष कर लेंगे। ब्रह्मा बाबा तो सब जानते हैं, सीजन में जो गुंजा क्या ब्रह्मा बाबा सब जानते हैं? ब्रह्मा बाबा अगर सबको जानते हैं तो फिर आजकल तो जानते हैं। अगर आजकल जानते हैं तो गीता का भगवान कौन है साकार में, तो बताएं वो किसको मानते हैं गीता का भगवान? तो आपने कोई भगवान माने तो है ना, कर सक हुए ना सीजन टाइम में जो ब्रह्मा बाबा गुंजर दादी तन में आते हैं तब क्यों नहीं करते? ये सब झूठ है। तब उनको सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर का बंधन है। यही बात तो किसी को विश्वास नहीं करेगा, नहीं बोलेगा, नहीं सुनेगा, बोलने से भी नहीं सुनेगा। लेकिन एडवांस में जो उनकी बीज रूप आत्मा है इस्लाम धर्म की, वो सपोर्ट करेंगे। बोलते रहे उनके बोल रहे क्या होता है, हम लोग को बीच में है तो कोई नहीं जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के ऊपर उनको बहुत नाज था, अब धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा के ऊपर से श्रद्धा विश्वास उस आत्मा के ऊपर से भी उनका हट गया। जानते हैं इनसे हमको प्राप्ति नहीं होने वाली है कुछ भी। मुरली में बोला तो नहीं विश्वास हुआ, मुरली में बोला ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा का फोटो रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे, तब नहीं ध्यान दिया।
और बड़ा बड़ा और बड़ा बड़ा पत्थर बनाने लगे ऐसे ही दादी का है। दादी कितने बड़े बड़े पोस्टर बनवाए, कितना ढेर सारा पैसा खर्च हुआ, गोल्ड मदर वर्ल्ड वर्ल्ड मदर घोषित कर दिया। सेंटर के आगे में कितना सुंदर घर बना लिया है बर्मा बाबा को दिखाया है याद करने के लिए। माता जी की आपसे खुद ही लोग अभी चांस है आपको जो पूछना डाउट है क्लियर कर दीजिए। दस साल बाद में गंगा नहीं रहेगा न्यूज नहीं बोलते हैं गंगा नहीं रहेगा। हाँ दस साल बाद में गंगा नहीं पानी गंगा पानी की गंगा पवित्र गंगा बनेगी क्या अमृत तो कहेंगे उसको गीता ज्ञान अमृत जैसे गीता को कहते हैं अमृत ऐसे गंगा का जो जल होगा वो पवित्र जल होगा ज्ञान जल होगा पवित्र। ये पानी गंगा अंतर्द होने के बाद में अमृत गंगा निकलेगा बोले दस साल बाद में जो पानी का गंगा है नहीं जाएगा। बाबा जो जो बर्फ है जो गल रहे हैं ना चारों ओर पानी पानी हो जाए जो गंगा है जो अभी जो गंगा बह रही है ना तो कचरा है वो गंगा दस साल बाद नहीं रहेगा गंगा रहेगा लेकिन गंगा जो है वो ज्ञान सागर से मिल करके सागर बन जाएगा बात यही है। अभी जो नदियां हैं उनमें कचरा गिर रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में जो चैतन्य ज्ञान नदियां हैं उनमें दृष्टि वृत्ति का कचरा गिर रहा है कचरा गिरने से उनका ज्ञान जल दूषित हो गया फिर उस समय क्या होगा वो सागर से मिल जाएंगे। गंगा कौन है गंगा जगदम्बा नहीं है जगदम्बा तो सरस्वती जगदम्बा कहा जाता है। गंगा नदी किसका गंगा नदी जो है वो गंगा नदी उस स्वरूप की यादगार है जो आदि में होती है और अंत में होती है। बेसिक के आदि में भी गंगा और अंत में भी गंगा ऐसे ही एडवांस के आदि में भी गंगा क्या एडवांस ज्ञान सबसे पहले गंगा की आत्मा सुनती है। गंगा वाली आत्मा जो कन्या है वो जितना ज्ञान सुनती है उतना और कोई ज्ञान शुरुआत में सत्व प्रधान ज्ञान और कोई नहीं सुनता। फिर गंगा के किनारे कौन चौकड़ी मार के बैठते हैं सब सन्यासी तो गंगा है सन्यास धर्म की तो शुरुआत में लेती तो बहुत है भगवान से लेकिन लेने के बाद फिर सन्यास धारण कर लेती है। आजकल नहीं है संन्यास धारण कर लिया तो सन्यासी हो गई। हाँ जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। अंत में निकली है ज्ञान गंगा अभी इतने इतना ज्ञान फैल रहा है सारा दक्षिण भारत वाले उठा रहे हैं उत्तर भारत वाले यूपी वाले ज्ञान उठा ही नहीं रहे लेकिन जब गंगा निकलेगी तो यूपी के जो जो सोए हुए कुंभकर्ण वो सब जगेंगे तेजी से आवाज फैलेगी। एक अवैधवाणी में बोला गंगा कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली कहाँ से निकली गंगा कहाँ से निकली कानपुर इलाहाबाद त्रिवेणी संगम न इलाहाबाद को त्रिवेणी संगम कहा जाता है।
तीनों नदियों का मेल इलाहाबाद में बोला गया है। कानपुर में कहाँ बोला गया? इलाहाबाद में नदी का एक लाख। फिर कानपुर का नाम क्यों ले लिया आप इस जमाने में? इसका मतलब कानपुर से कनेक्टेड है। सबसे ज्यादा जो कारखानों का कचरा कौन से शहर में पड़ता है गंगा में? कानपुर हो सकता है। जिसने एडवांस ज्ञान पहले पहले लिया होगा अब छोड़ दिया अब फिर ब्रह्मा जी के कमंडल में चली गई। वेदांति माता ने एडवांस ज्ञान सुनाई कब था? नहीं कहा सुना? बाबा बोले वैसे ही जबरदस्ती वाला बोला सुना तो जबरदस्ती। लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। लक्ष्मी जो पार्ट है वो लक्ष्मी या सीता कहो या लक्ष्मी कहो या द्रौपदी कहो या तुम सब पार्वतियाँ कहो, ये पार्ट जो है भक्ति का है। तुम सब भक्तियाँ हो, तुम सब सीताएं हो, ये भक्ति का पार्ट है न कि ज्ञान का पार्ट है। जो लक्ष्मी है वो ज्ञान कहाँ से लाती है? अरे लक्ष्मी को ज्ञान किससे मिलता है? धन किससे मिलता है? नारायण से मिलता है। तो नारायण हुआ ज्ञानी, वो हो गई भक्ति। प्रेम कांता को प्राप्ति जो है वो निभाने से होती है या सिर्फ संबंध जोड़ने से प्राप्ति होती है? प्राप्ति काय से होती है? निभाने से प्राप्ति होती है। संबंध से जोड़ लिया, निभाया, महीने दो महीने भी नहीं तो प्राप्ति होगी? प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कमला माता ने तो फिर भी निभाया पहले तोड़े लिया। तो बच्ची थी उस समय, 9 साल की थी। छत्तर में तो 9 साल की बच्ची थी उसमें। छोटी माता, छोटी माता तो क्या छोटी माता? गंगा 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 पढ़ने छोटी माता होगा। बता तो दिया जो भी होगी वो गंगा का पाठ जो भी होगा उसने एडवांस ज्ञान सबसे जास्ती सुना होगा। जितना उसने सतोप्रधान स्टेज में जब ज्ञान था एडवांस जितना उसने सुना उतना और किसी कन्या ने नहीं सुना। फिर कब आएगा अंत में? फिर निकलेगी ज्ञान गंगा जो आदि में, जो एडवांस के आदि में वो अंत में। बाबा माता जी पूछ रही है छोटी मम्मी तो है विदेश में, कैसे आएगी और कैसे पता चलेगा एडवांस का और कब आएगा? जब प्रैक्टिकल संगठन उभरे तो दिखाई पड़ेगी। शहद की मक्खियों की एक रानी उड़ती है, छत्ता होता है ना, सारा छत्ता छोड़ के एक रानी उड़ी तो छत्ता फिर खाली हो जाएगा, रह जाएगा खाली। तो अपने आप पता भर जाएगा कि क्या है। उसके पीछे पीछे सारी झाड़ जाएगा, वो गंगा नहीं है। रानी मक्खी को तो हमें उड़ाना है, आवाहन हमको करना है। हमारा आवाहन से तो उड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, आवाहन हमको करना है, उड़ना उसको है, पीछे पीछे जाना है उसके फॉलोअर्स को। हाँ जी, माता जी पूछ रही है कैसे आवाहन करेंगे हम लोग? कैसे आह्वान करेंगे? जब ब्रह्मा बाबा आते हैं गुलजार के तन में तो कैसे आह्वान करते हैं? है, ध्यान लगा के बैठते हैं, आओ बाबा आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अंदर की लगन लगती है ना।
एक है गंगा, एक है यमुना, एक है सरस्वती, एक है ब्रह्मपुत्र। ज्यादा पानी किसमें है? ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी है। माने ज्यादा ज्ञान जल किसमें समाएगा? जब ब्रह्मपुत्र निकलेगी तो बहुत ज्ञान जल होगा। ब्रह्मपुत्र तो नर है, नदी क्या पुरुष है ब्रह्मपुत्र, बोला है ब्रह्मपुत्र एक मात्र पुरुष नदी है। पुरुष नदी कब बनेगी? जो सरस्वती और ज्ञान गंगा वो सब मिल जाएंगी ब्रह्मपुत्र में। सरस्वती जो गुप्त की देखा है, सरस्वती गुप्त नदी है, सरस्वती गुप्त नदी है। हाँ, ये बेसिक में भी गुप्त थी, आदि में गुप्त थी, अंत में फिर गुप्त हो गई, ब्रह्मा बाबा के जाने से पहले ही गुप्त हो गई, ऐसे ही एडवांस में। इसे एस्ट्रोलॉजर ने भूमिशरण में दिखा है, जो मरुभूमि है ना बाबा, सहारा थार मरुभूमि है ना राजस्थान में, उसके अंदर पानी है, वो पहले 5000 साल पहले सरस्वती नदी थी। फिर निकलेगा सरस्वती के लिए यही गायन है, आदि में नहीं होती है, बीच में निकलती है और बीच में ही गायब हो जाती है, अंत में नहीं रहती। अब ब्रह्मपुत्र कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी तो अंत में ही निकलेगी, पहले नहीं था है? तो पहले नहीं था क्या? हनुमान सरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र का जल गोष्ठी में एक दिन, साल में एक दिन और गोष्ठी में है उस दिन शुद्धता मानते हैं, सब लोग पानी भर भर के घर में रखते हैं। तो अभी अभी ब्रह्मपुत्र में दस्ती वृत्ति का कचरा गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? गिर रहा है। जब वो उसकी बुद्धि में बैठ जाएगी कि ये दस्ती वृत्ति का कचरा गिरना खराब बात है, एक परमात्मा की दृष्टि से ही दृष्टि पवित्र हो सकती है, दृष्टि सुधर सकती है, तो दूसरों से दृष्टि लेना और देना बंद कर देगी। वही लक्ष्मी का पूजन कहो एक दिन होता है, और वही चाहे जल की शुद्धि कहो एक दिन मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की जल की शुद्धि एक ही दिन मानते हैं ना, ऐसे ही लक्ष्मी की जो पूजा है एक ही दिन होती है या साल भर होती है? एक दिन होती है। एक दिन की पूजा में तो सारा ही पवित्रता हो जाती है। लक्ष्मी पूजा कई बार होती है? 3-4 बार होती है साल में। खास तो दिवाली पर, दीपावली पर ही होती है। हम तो दीपावली में नहीं मनाते हैं, बंगाली लोग हैं, बंगाली लोग दीपावली में नहीं मनाते हैं। कब मनाते हैं? दुर्गा पूजा के 9 दिन बाद, विजयादशमी के बाद। माना दीपावली से पहले ही मना लेते हैं? पहले मनाते हैं। हाँ, तो दीपावली से पहले ही मनाने, माने जो बंगाल है, और बंगाल तो बीज है शक्ति का, तो पहले बाप पहचानेगा कि पहले बाहर वाले पहचानेंगे? पहले बाप पहचानेगा, तो बीज रूप आत्मा है। अभी मिल नहीं, अभी सेतु बन रहा है ना, सेतु बनिए से, अभी सेतु बन रहा है ना, यहाँ की बात है, यहाँ की कैसेट वगैरह वहाँ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? और वहाँ की चलाई हुई अव्यक्त वाणी यहाँ आ रही है कि नहीं? दूसरे दिन सेतु बना हुआ है ना, पूरा नहीं हुआ, बन रहा है, बन रहा है। इधर का सारा एडवांस नॉलेज उधर पहुँच जाए, और उधर की सारी मूल्यां जो चली हुई है और सारा भंडार इधर मिलना चाहिए। अभी मिला कहाँ है पूरा?
ब्रह्मा बाबा के मुख से चलाई हुई जो कैसेटें हैं वो तो यहाँ में अभी अवेलेबल ही नहीं है। वो घिसी पिटी 10-15 कैसेट मिली है बस। अभी वो वाणिया मिले भी तो जो डायरेक्ट मुख से निकली है मिल कहाँ रही है अभी। अरे ज्यादा ज्यादा 15-20-25 वाणिया मिली है बस कैसे। पुरानी पुरानी कैसेट हैं जब से टेप रिकॉर्ड शुरू हुआ है पहले डैग होती थी डैग में बड़ा बड़ा वो धागा लटकता जाता था चारों तरफ वो मिले ब्रह्मा बाबा द्वारा सुनाया हुआ फिर उसकी कापियां निकले प्रिंट में इसमें तो सारी काट पीट कर दी। पहले 5-5 पेज की वाणियां होती थी एक वाणी 5 पेज चलती थी अभी तो 2.5 पेज ही रह गई सारा काट पीट दिया ओरिजिनल चीज ही खत्म हो गई अभी तो। फिर 2.5 पेज में से जो थोड़ा बहुत बचा बचा है मिल रहा है वो एडवांस निकल रहा है अभी तो। मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा टाइम आएगा तो मिलेगा कोई तो कोई के पास रखा होगा उसका मन बुद्धि में परिवर्तन आएगा एडवांस में आएगा तो निकल पड़ेगा सारा दे देगा कोई भाई था ना बाबा उनका बस सारा मुरली था बाबा जब जालंधर का क्या नाम जनकराज भाई है कि नहीं बाबा पता नहीं कुछ मालूम होते हुए तुमने मना कर दिया कि हमने कुमार का दादी को नहीं दी हम आपको क्यों दे देंगे और आपकी तो बातें ही हमारी समझ नहीं आ रही हमारा सर दर्द करने लगा आपकी बातें सुन के। वो बीके में है बीके में था आप पता नहीं क्या है क्या नहीं देना तो पड़ेगा नहीं देने से एक कैसे होगा वो नहीं देगा कोई दूसरा देगा निकलेगा हाँ वो नहीं देगा तो दूसरा देगा देना तो पड़ेगा वो भी निकलेगा पाकिस्तान में जो उन्होंने बक्स में दबा के रखी रखी हुई है वो भी निकलेगी वो भी पीयू की वाणी भी निकलेगी मिट्टी के अंदर वो खराब नहीं होगा लोहे के बक्स में दबा करके रख दिया है कहीं ये सब निकलेगा कर मिट्टी की वाणी जब ड्रामा में होगा तब निकलेगा ड्रामा में होगा तब निकलेगा। माता जी सब जल्दी जल्दी चाहिए जल्दी 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 प्रसाद पूरा करो तो जल्दी जल्दी चाहिए चाहना पूरी हो जाएगी। बाबा गुवाहाटी में ऐसे मारवाड़ी बड़े बड़े सेठ है उनको ज्ञान सुनाने के बाद सब भगवान आने के बारे में वो सीढ़ी देखने चाहते हैं। दिखा जो जनरल जनरल सीढ़ियाँ है ना जनरल कैसेट जो जनरल ज्ञान की कैसेट है ना वो उनको सुना दिखा तो बहुत अच्छी सेवा है। उनमें से जो होंगे यज्ञ के आदि वाले तो निकल पड़ेंगे। कैसे सुन करके अच्छे वारसदार निकलते हैं दक्षिण भारत में भी जो निकले हैं ना अच्छे अच्छे वो सब कैसे सुन करके निकले हैं समझ। हाँ जी 4-5 साल से उनको बोल रहा हूँ दे रहा हूँ सभी कुछ दिन से देख रहा हूँ चारों जो देख रहे हैं एक्सीडेंट डेली कुछ ना कुछ हो रहा है आज भी तो कल सुबह भी हुआ है उधर अपना एडवांस ग्रुप भी है उधर पुणे के पास जहाँ प्यार ज्यादा होता है क्या नाम
नासिक बड़ा एक्सीडेंट हुआ कल, बहुत मर गया एकदम, 600 मीटर नीचे मंदिर धाम धाम से 600 मीटर नीचे चला गया गाड़ी, मंदिर गाड़ी 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 नीचे चली गई, मंदिर से आते हो मंदिर दर्शन करके आए थे माता जी का मंदिर, तो मैं कितना था उसमें ज्यादा मर गया होगा अभी 40 मर गया। ये सब सुनने का बाद वो जो गुवाहाटी का सेठ सब बोल रहे आप जो सुना रहे हैं बात तो सही लग रहा है, तो आज वो लोग सीधी देखने के लिए इंटरेस्ट हो रहा है सर, तो हम लोग ने बाबा से पूछेंगे फिर देख, नहीं नहीं वो जनरल कैसेट जो है ना 20-25 है वो सुना है, वो 20-25 कैसेट जो है केबल में चलाई गई है, हाँ वही उनको सुना, अब किसी ने सुनी नहीं ध्यान से, केबल में चलाई गई किसी ने सुनी, किसी ने अधूरी सुनी, किसी ने थोड़ी सुनी, किसी ने नहीं सुनी, उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन जो पूछ रहे हैं उनको बैठ करके सुनाएंगे तो वो निकल आएंगे, अच्छी सेवा। क्या 8-4 12 रातें इकट्ठी करनी नहीं वो और माता जी है ना वो उनका नहीं मालूम है, मामूनी माता वो ज्ञान में मामूनी में तो वो खरू पिता का एक माता है, खबर नहीं किया वो भट्टी नहीं किए, भट्टी नहीं किया 12 माता 12 राशि में तो सारी दुनिया समाई हुई है एक भाई से शादी कर लिया शादी हो गया बाबा जी शादी कर लिया फिर बाद में ज्ञान में आएगा, क्यों नहीं आएगा प्रजा बन चला गया भक्ति करके शादी किया हलचल शुरू हो जाएगा, विनाश का टाइम कैसे इकट्ठा होंगे, जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान में लड़ाई हुई थी खून खार नदियां बही थी तो ये कैसे इकट्ठे हो गए थे ऐसे कराची में 300-400 कैसे इकट्ठे हो गए थे, पहले तो बता दिया पहली ट्रेन जिनको मिलनी थी तो मिल गई, पहुंचने थे तो पहुंच गए, बाबा ने बोला ट्रंक का आ जाएगा तुम्हें आवाज आ गई चलो अवस्था बना ना होगा, कलकत्ता से कैसे निकला था गाना बंगला गाना ही थी ट्रेन में, जो ट्रेन आया हुआ है चलना है तो चलो उठो रोहित भाई सब बनाए थे बंगला गाना बहुत अच्छा इसे था हमारे ये तो इधर से भी ना फंगी दिया मनी है ना ऐसे क्या नहीं किसी मन बुझा थोड़ी हुई था यार माता जी बोल रहे हैं बाबा तो जो बाबा बोल रहे हैं सीधी जो चलता है पास में ये भी बात क्लियर कर लो मैं ठीक है नहीं तो दूसरे रहते हैं ये भी बात क्लियर करना है, ये भी जब चलते हैं धली जो बाबा भाई और माता है सुहास भाई कामेश्वरी माता अनंत भाई तीन बैठा है बराबर तीन ही बैठते हैं हम लोग कुछ तो इसी में कोई डाउट तो सुभाष भाई कैसे क्लियर करें जब बाबा बोलते हैं भाई को क्लियर नहीं करना है कोई बात क्लियर नहीं करना कोई क्लैरिफिकेशन भाइयों को ज्ञान दूसरों को सुनाना नहीं है क्लैरिफिकेशन बाबा क्लास में बैठे हैं तो क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन कर रहे बाबा तो क्लैरिफाई कर रहा है लेकिन उसी बात पर मैं अभी अपना बुद्धि से बोलूं कुछ डिफर कर सकते हैं बाबा डिफर कर सकता है तो वो लिख करके रखो और वहाँ लिख करके भेजो क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है
मैंने गीता भाषा ने कहा निमित्त माता का कहना यही है सुहास भाई जो बात जो जो थोड़ा बहुत हिंदी समझते हैं हमें भी उसको तैयार कर दी। लेकिन मेरे बाबा जैसे बोलते हैं कोई भाई को डायरेक्शन नहीं देना है, भाई को कम से कम जो कहते हैं ट्रांसलेशन तो करना है, ज्ञान नहीं सुनाना है, अपना ज्ञान नहीं सुनाना है। लेकिन बाबा ने जो कुछ बोला है वो जो कहते हो असमिया भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो तो है ही है बाबा, तो वो कितना दिन चलेगा बाबा क्या, लेकिन अपने को तैयार भी करना है बाबा का भाषा समझने के लिए। तैयार क्या करना है, अब इतने लोग बैठे हैं इनमें सबसे जास्ती कोई तो होगा जो जास्ती समझदार होगा, हिंदी हिंदी बाबा जो बोलते हैं उसको ज्यादा समझे और समझ करके ट्रांसलेशन करे, जो वो तैयार हो उसको ट्रांसलेशन करे। भाई माता वो कोई भी हो लेकिन अब मिक्स न करे। हाँ। जो बाबा बोलते हैं शब्द शब्द ज्यों का त्यों। इसी कारण से बाबा सुभाष भाई मैं क्लियर नहीं करता, मैंने कोई क्यों नहीं क्लियर करते, क्लियर नहीं करना, क्लियर नहीं करना। लेकिन बाबा ने जो कुछ बोला है ज्यों का त्यों उसका अनुवाद करना। बोलना चाहिए मैंने आसामी में, आसामी जो भाषा है आसामी में बोलना है। तो जो हिंदी जानता हो वो अनुवाद करे। अपनी बात किसी को मत सुनाओ, लेकिन बाबा जो कुछ बोल रहे हैं उसका तो अनुवाद कर सकते हैं। वो तो हो जाता है, वो तो कहा जाता है, वो तो कभी कभी बोला जाता है। हाँ, बाबा ने जो कुछ बोला उस बात को हमने कुछ और तरीके से समझा, दूसरे कोई और तरीके समझे, वो तरीका नहीं, जैसा बोला है शब्द से उसका जैसा ही अनुवाद करके, क्योंकि बाबा ने ऐसा बोला और उसका अर्थ करके नहीं समझाना, डिटेल नहीं। चलो।